हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये एक टेबल मेट बनाकर लेके आए हैं और बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कितना प्यारा हमारा ये टेबल मेट बनकर आया है और इसमें हमने देखिए ये फ्लावर पैटर्न डालकर बनाया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए लूप बनाएंगे और यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे। एक हमने बनाई, 2 3 4 5 6 7, और फर्स्ट चेन के साथ हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर लूप बनाएंगे, थोड़ा सा धागा लूज करेंगे और इसके अंदर हम लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाई सॉरी 4 बार धागा लिया। कंप्लीट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर से इस चेन के अंदर हम लूप बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम हर एक लूप के बीच में 2-2 चेन की गैपिंग लेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। टोटल 8 लूप बनाएंगे हम इसमें। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर चेन के सेंटर में आएंगे, धागा लूज रखेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से सेम प्लेस पर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे, 1 चेन बनाया, धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर फिर से 2 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे और 2 चेन बनाएंगे, फिर से धागा लेंगे और सेम प्लेस पर हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट में हम फिर से 2 पफ बनाएंगे, 3 4, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हर चेन के अंदर 2-2 पफ बनाएंगे और पफ के बीच में हम इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। और जब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, जैसे हम इसे कंप्लीट करके इस चेन के अंदर आएंगे, तो बीच में हम 1 चेन की गैपिंग लेंगे। तो बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें यहाँ पर 1 चेन हमने बनाई है और फर्स्ट चेन के साथ हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पर चेन के सेंटर में लेकर आएंगे। फिर से हम यहाँ पर देखिए ये 2 पफ है हमारी, तो यहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे, 1 2, तीन चार, कंप्लीट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर से सेम प्लेस पर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे, ये हमने 1 चेन बनाई, धागा लेंगे और जहाँ पर हमने 1 चेन बनाई थी यहाँ पर हम 1 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और ये आगे हमारे 2 पफ बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हमें जहाँ पर हमारे 2 पफ हैं वहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे और बीच में हमने 1 चेन की गैपिंग ली थी वहाँ पर हम 1 पफ बनाएंगे और साइडों में हम एक एक चेन लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये हमारे 2 पफ हैं तो हमने 2 पफ बनाए और इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब हमारे यहाँ पर हमने 1 चेन की गैपिंग ली थी, उसके लिए हम यहाँ पर पहले 1 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट
ये जो हमारी दो चेन बनाई थी हमें यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम दो पफ बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे यहाँ पर फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है हमारा। अब हम इसे सेंटर में लेके आएंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, एक दो। जहाँ पर हमने दो पफ बनाए हैं बार बार हमें वहाँ पर दो ही पफ बनाने हैं और सेंटर में हमें दो चेन रखनी है, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये वन पफ बनाया था अब हम इसके यहाँ पर साइडों में एक एक पफ बनाएंगे, लेकिन ये हम सेकंड कलर से बनाएंगे। देखिए इसमें हम नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। धागा लेंगे और जहाँ पर हमने वन चेन बनाई थी वहाँ पर हम पफ बनाएंगे, वन टू थ्री फोर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। धागा लेंगे और अब हम वन चेन बनाएंगे सेंटर में और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट धागा वाइट ज्वाइंट करेंगे, ये वन चेन बनी हमारी वाइट की और फिर से हम धागा लेंगे। अब हमारे पास देखिए ये दो पफ हैं, देखिए ये दो पफ की कली है तो यहाँ पर हम दो पफ वाइट से बनाएंगे, एक दो। धागा हम साथ में ही रखेंगे, चार कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे, एक दो और इसे कंप्लीट करेंगे, एक दो तीन चार ये कंप्लीट किया। देखिए कुछ इस तरह से वन चेन लेंगे नेक्स्ट धागे से, वन चेन और अब हम यहाँ साइडों में पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। देखिए इस राउंड को हमने इस पफ को हमने कंप्लीट किया और अब हम इसे वन यहाँ पर हम वन चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। वन चेन लेंगे नेक्स्ट धागे से इस तरह से और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। तो हम हर राउंड में इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए जो हमने यहाँ पर ये देखिए हमारा वन डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये हमारा वन पफ है हमारा। तो यहाँ पर हम साइडों में नेक्स्ट कलर से इसमें दो पफ बनाएंगे, ये हमारा दो पफ का है तो यहाँ पर हम दो पफ बनाएंगे, फिर ये हमारा सिंगल पफ आ गया तो इसके साइडों में बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए देखिए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। अब हम इसे देखिए यहाँ पर हम वाइट से वन चेन बनाएंगे इस तरह से, वन चेन बनाई और अब हम इस धागे को साथ में रखेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और सेंटर में आएंगे, लूप थोड़ा धागा लूज रखेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। दो चेन फिर से बनाएंगे,
एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। और अब हम इसे नेक्स्ट धागे से बनाएंगे, वन चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने वन चेन बनाया था यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट धागा ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये नेक्स्ट धागा ज्वाइंट किया है इस तरह से। इससे हम वन चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर जो हमने वन चेन की गैपिंग की थी तो यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, वन पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार, चार बनाया, कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से धागे को पर्पल कलर लेंगे और इससे हम वन चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे। धागे को हम साथ साथ रखेंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट किया, देखिए इस तरह से। फिर से हम वाइट धागा लेंगे, कंप्लीट करेंगे, वन चेन बनाएंगे और अब हमारे पास ये दो पफ हैं तो यहाँ पर हम दो पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। ये हम यहाँ पर आएंगे तो साइड में हम एक पफ, एक कलर, इस कलर का हम पफ बनाएंगे, फिर बीच में हम येलो कलर का पफ बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर ये पर्पल कलर का पफ बनाकर इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने इसे वन चेन के साथ स्लीव स्टिच किया था और यहाँ पर मैंने फिर से पफ बना लिया है, येलो धागे को हमने कट किया है। अब हम इसमें देखिए यहाँ पर जो हमने वन चेन की गैपिंग की थी यहाँ पर हम वाइट धागे से पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार, देखिए ये चार बार धागा लिया, पफ कंप्लीट करेंगे, वन चेन बनाएंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर तीन बन गए, सॉरी वन चेन नहीं बनाएंगे यहाँ पर, वन चेन हम दूसरे धागे कंप्लीट किया है पफ हमने। और ये हमारा नेक्स्ट धागा है, नेक्स्ट धागे को हम यहाँ पर वन चेन बनाएंगे इस तरह से, धागा लेंगे। अब हम यहाँ पर पर्पल कलर से पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, वन चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार कंप्लीट किया। अब हम इसमें वाइट धागा ज्वाइंट करेंगे, वन चेन धागा लेंगे और यहाँ पर हम वाइट पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार कंप्लीट किया, वन चेन। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर वाइट दो पफ है तो हम यहाँ पर दो वाइट पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार कंप्लीट किया, टू चेन। फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, वन चेन। तो देखिए अब हम इस तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी हमारा एक पफ बनेगा तो यहाँ पर हमारे वाइट चार पफ आ जाएंगे और दो हमारे पर्पल के आएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें देखिए यहाँ पर सेंटर में लेके आएंगे और अब हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, एक दो
चार कंप्लीट करेंगे, दो चेन, फिर से एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, वन चेन लेंगे। देखिए इस राउंड में हम पर्पल धागे से नहीं बनाएंगे, पूरा राउंड हम वाइट से बनाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर बीच में पफ हैं, हर एक में हम पफ बनाएंगे। देखिए एक हमने यहाँ पर बनाया, फिर हम देखिए ये हम एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो देखिए किस तरह से वन चेन लिया और यहाँ पर बना, एक दो तीन चार कंप्लीट, फिर से वन चेन यहाँ पर बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, वन चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, वन चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, वन चेन लेंगे, फिर ये देखिए ये हमारे दो पफ की हैं, तो यहाँ पर हम दो पफ बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, दो चेन। पूरे राउंड में हम जब हम ये दो पफ की कली बनाएंगे, यहाँ पर तो हम दो चेन बनाएंगे और बाकी में हम वन वन चेन की गैपिंग लेंगे, दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, फिर से वन चेन और पफ, एक दो तीन चार। तो देखिए इस तरह से ये बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका फ्लावर का लुक कुछ इस तरह से आया है, ये फ्लावर बनकर हमारे। अब हम इस पर नेक्स्ट बनाएंगे फ्लावर, तो उसके लिए देखिए धागा थोड़ा लूज रखेंगे। ये हमारी दो पफ की कली है तो ये हम बना लेते हैं दो पफ इस तरह से। अगर आपको ये राउंड बनाने में टाइट लगेगा तो इसमें हम दो डबल क्रोशे दो चेन, देखिए जो ये राउंड हमने बनाया है अगर इसे बनाते हुए आपका ये टाइट आया है तो आप इसमें दो चेन बनाकर फिर नेक्स्ट पफ बनाना, उससे ये देखिए इस तरह से आएगा। अब मैं इसमें दो चेन की गैपिंग लूँगी, तो ये हमने सॉरी इसमें हम नेक्स्ट धागे से बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे इस बार हम, एक दो धागा टाइट करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार। जब हम ये फ्लावर बनाएंगे इसमें हम वन चेन की गैपिंग लेंगे और जब हम वाइट बनाएंगे तो उसमें हम दो बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेकंड फ्लावर स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें दो चेन बनाएंगे वाइट से, एक दो धागा टाइट, यहाँ पर हम दो पफ वाइट से बनाएंगे, दो पिंक के बनाए हैं हमने, दो वाइट के बनाएंगे, दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, दो चेन, फिर से नेक्स्ट पफ में जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें हम चेन बनाएंगे, वन टू और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, फिर से दो चेन वन चेन लेंगे यहाँ पर हम और पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। अब हम वाइट धागे से दो चेन बनाएंगे,
और अब ये हमारी दो पफ की कली है, तो यहाँ पर हम दो पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, कंप्लीट करेंगे दो चेन, फिर से बनाएंगे एक दो तीन। तो देखिए इस तरह से ये राउंड हम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। दो हमारे पर्पल के आएंगे, दो वाइट, दो पर्पल और दो वाइट के, तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें देखिए पैटर्न बनाएंगे। जैसे हमने ये सेकंड राउंड बनाया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। पहले हम ये दो पफ की कली बना लेते हैं। देखिए ये कली हमने बना ली है। अब हम यहाँ पर सेकंड धागे से दो चेन बनाएंगे, एक दो धागा लेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें येलो कलर ऐड करेंगे। अब देखिए येलो का पफ बनाएंगे, इसके लिए हम वन चेन ली और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट धागे से वन चेन बनाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पर पर्पल धागा है, वन टू थ्री फोर कंप्लीट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें वाइट धागे से टू चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे, दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, टू चेन बनाएंगे, ये नेक्स्ट धागे से बनाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट धागे से हम इसमें चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। सेम जैसे हमने ये बनाया था सेम वैसे ही हम ये बना लेते हैं। देखिए ये दूसरा पैटर्न भी हमने बना लिया है। सेम ऐसे ही हमें ये राउंड कंप्लीट करना होगा। और देखिए फिर हमने ये जो नेक्स्ट पैटर्न बनाया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ पर हम एक वाइट कलर का बनाएंगे, फिर हम दो पर्पल बनाएंगे जैसे ये वाला राउंड था। सेम हमें ये वाला राउंड अब यहाँ बनाएंगे ये राउंड कंप्लीट होने के बाद। फिर एक राउंड में हम हर एक चेन के अंदर वाइट बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं टोटल तीन राउंड है, तो तीनों राउंड में बनाकर कंप्लीट करने के बाद फिर आगे आपको इसे दिखाएंगे कि इसका लुक किस तरह से आया है। देखिए ये हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये हमारे इसमें छोटे छोटे फ्लावर बन गए हैं। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप इसे और बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक हम यहाँ पर पफ बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे, जो दो पफ हमने ये बनाए हैं, और फिर हम दो पफ बनाएंगे वाइट के, एक दो, फिर हम यहाँ पर दो पफ बनाएंगे ये पर्पल कलर से, फिर दो पफ बनाएंगे वाइट से, और ये देखिए दो की जगह बची है, यहाँ पर ये दो बनेंगे हमारे पर्पल कलर के। तो जैसे यहाँ पर हमारा एक बना, फिर दो और तीन चार पाँच, इस तरह से हम इसे कितना भी बड़ा बना सकते हैं। लेकिन ये अब काफ़ी बड़ा हो चुका है तो मुझे ये इतना ही चाहिए था, इसलिए इसे मैंने यहीं पर स्टॉप किया है और एक राउंड मैंने इसमें वाइट कलर से बनाकर कंप्लीट किया है। अब हम इसमें फिनिशिंग करेंगे पर्पल कलर से। तो देखिए किस तरह से, देखिए इसमें हम देखिए अब फिर से हम यहाँ पर ये हमारी चार डबल क्रोशे की दो डबल क्रोशे दो पफ की कली है, यहाँ पर हम दो पफ बनाएंगे। जैसे हमने सेम वाइट बनाया था वैसे ही हमें पर्पल का बनाना है एक राउंड, दो चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एक
दो तीन कंप्लीट करेंगे, दो चेन, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर एक दो तीन कंप्लीट करेंगे, दो चेन बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस पर किनारी बनाएंगे। तो देखिए किनारी किस तरह से करेंगे, यहाँ पर जो हमने ये दो डबल क्रोशे की कली बनाई थी दो पफ की, तो यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और इन दो धागों के साथ हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट में हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, फिर से हम यहाँ पर एक दो तीन चार और दो धागों के साथ हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में एक दो तीन चार, फिर से हम दो धागों के साथ ये किनारे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक दो तीन चार और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम ये किनारी बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए टेबल मैट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसके किनारी बनकर भी कुछ इस तरह से आई है, और देखिए कितना प्यारा हमारा ये फ्लावर बनकर आया है। अब हम यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर सेंटर में एक पफ बनाकर लगाएंगे, तो पफ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से लूप बनाएंगे और चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक और बनाएंगे पाँच, धागा थोड़ा लूज़ रखेंगे। और यहाँ पर देखिए वन चेन, ये हमारे जो सेकंड चेन है इसके अंदर हम इस तरह से धागा लूज करेंगे, एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे, तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये पफ बन कर आया है। अब हम इसे, अगर आप चाहें तो इसे सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं, और अब हम यहाँ पर एक पफ को यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने पफ को यहाँ पर बीच में अटैच किया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।